Hello students, welcome to my channel. It's school time. So, कैसे हैं आप सब? ज़रूर अच्छे तरह से ही चल रहा है आप सबका स्टडी. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है पावर इंडिसेस शॉर्ट एंड रूट्स का पार्ट टू. ठीक है, तो आज का जो वीडियो है तो आप लोग ज़रूर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में जाके मैं आप लोग के लिए हाउ टू फाइंड रूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर, हर कोई नंबर का हम लोग रूट कैसे निकालते हैं उसको मैं समझाऊंगा. आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को एंड कंटिन्यू देखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा. ठीक है, और एक बात, मेरा जो क्वेश्चंस होता है, जो मैं क्वेश्चंस लेता हूँ सभी को मैं एक एलाबोरेट करके आप सबको प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि ये सब एलाबोरेट करने का कारण है आप लोग को इन सब क्वेश्चंस का बेसिक जो कंटेंट होता है ना, उस सब चीज़ आप लोग पहले जान लीजिए. ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग पहले से शॉर्ट ट्रिक में चले जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक तो लाखों हज़ारों होंगे ना, करोड़ों होंगे, कितने शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रखेंगे ना. तो उससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग समझ में जाते हैं ना, तो हम ऐसे ही बैठ के 2-3 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड या फिर 10 सेकेंड में हम लोग ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे स्टेप को हम लोग इग्नोर करके. हाँ, तो इसलिए मैं इस तरह का थोड़ा एलाबोरेट करके क्वेश्चन ला रहा हूँ अभी, और आफ्टर कुछ दिनों के बाद, 2-3 महीने के बाद मैं आप लोग को इस सब का थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी दिखा दूंगा. बट पहले आप लोग बेसिक को थोड़ा समझिए, जिससे आप लोग को ईजी होगा समझने के लिए हर एक क्वेश्चन को. ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग कंटिन्यू देखेंगे वीडियो को, और लास्ट तक ज़रूर देखना हर एक वीडियो को, ताकि आप लोग को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ में जरूर आ जाए. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 256 द पावर ऑफ 0.16 मल्टीपल विथ 16 होल टू द पावर 0.18. ठीक है, तो इसको हम लोग का वैल्यू निकालने के लिए बोला है. तो देखिए वैल्यू कैसे निकालते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को लिखिए, और इसको हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट से डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं. पॉइंट अगर हम लोग यहाँ से उठा देंगे तो क्या होगा, 2 ओम के बाद क्या है पॉइंट, यानी कि 100 होगा, सेम इधर 100 होगा. ठीक है, अभी 256 का एलसीएम निकाल दीजिए. ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिखा है, आप लोग देखिए एलसीएम में क्या आया है, 2 आया है, कितना टाइम्स, 8 टाइम्स आया, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 8 टाइम्स आया है. 8 मल्टीपल होगा इस डिविजन के साथ, मल्टीपल विथ 2 टू द पावर 4 होगा, क्योंकि 16 है, 16 कितना टाइम होता है, 2 1 2 3 4 टाइम्स होता है. ठीक है, 2 टू द पावर 4 इंटू 8 बाई 100. अभी कैंसलेशन कीजिए, 32 बाई 25 और 18 बाई 25. अभी इधर से एलसीएम लीजिए आप लोग, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, 25 होगा, ऊपर का 32 प्लस 18 हो जाएगा. ठीक है, अभी प्लस कीजिए और डिवाइड कीजिए, निकल जाएगा आपका आंसर 2 स्क्वायर. तो 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 कितना, यहाँ पे 2 है, यानी 2 इंटू 2 का मतलब 4 होगा. ये आ गया हम लोग का आंसर 4. ठीक है, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन. तो अभी आइए नेक्स्ट नंबर 2 में. देखिए नंबर 2 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 5 प्लस 2√6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5 प्लस 2√6. ओके, अभी देखिए इसको कैसे एलाबोरेट करते हैं. तो पहले क्या होगा, आप लोग पहले समझ लीजिए, ये 5 प्लस 2√6 है ना. अभी इस 5 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, और हम लोग को ये भी मिलेगा और इसको भी मिलना पड़ेगा. ठीक है, कैसे मिलेगा देखिए, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो 2 अगर लिख देंगे, 2 को साइड में लिखिए इंटू √3 इंटू √2, 3 2 जा क्या हो गया, 6 हो गया और रूट रह गया. यानी कि देखिए अगर हम लोग इसको 2ab पकड़ेंगे तो क्या होगा, 2ab का मतलब क्या, एक फॉर्मूला आ रहा है ना हम लोग के लिए, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. तो इसको अप्लाई करने का क्या होगा, स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर यानी √3 देखिए, और बी स्क्वायर का मतलब क्या है, √2. तो आगे √2 प्लस 2ab. अभी देखिए इक्वल कीजिए, √3 का मतलब क्या होगा, 3 होगा ओनली, और √2 का मतलब क्या होगा, 2 होगा, 3 और 2 प्लस करने से 5 हो गया, और इधर इंटू कीजिए 2√6 होगा. ठीक है, तो सिमिलरली इसको इधर बैठा दीजिए, 1/a हो गया. अभी देखिए क्या है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a और ये b, इनका होल स्क्वायर दीजिए, बस हो गया, इधर भी सेम होगा. अभी ये होल स्क्वायर उठ जाएगा, किस लिए देखिए, कैंसिल रूट बाई स्क्वायर, रूट और स्क्वायर, रूट को अगर ऊपर से उठा देंगे क्या होगा, हाफ होगा ना, उस दिन मैंने आप सबको बताया था, हाफ से अगर 2 को कैंसिल करेंगे क्या होगा, 2 2 कैंसिल रह जाएगा 1,
क्या हो गया रूट थ्री प्लस वन है, रूट थ्री प्लस रूट टू। सिमिलरली आप लिखिए, नेक्स्ट देखिए, अभी ये सिमिलरली लिखिए और मल्टीप्लाई विथ रूट थ्री माइनस रूट टू, इसको दो बार लिख के मल्टीपल कीजिए, यानी कि दिस सिंबल का ऑपोजिट सिंबल लिख के दो बार मल्टीपल कीजिए इस नंबर को, हाँ इससे मल्टीपल कीजिए। तो मल्टीपल करने के बाद क्या होगा, ये मल्टीपल इससे करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया अभी, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों मिला के ये हो गया, और इसको तो वन से मल्टीपल करने से सेम ही होगा, ठीक है। तो इसको भी सेम, रूट थ्री का मतलब ओनली थ्री और रूट टू का मतलब ओनली टू, ठीक है। अभी इसको थ्री माइनस टू वन, इसको सिमिलर रखिए, माइनस या से उठा दीजिए, क्या होगा प्लस माइनस 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 प्लस होगा, ठीक है। कैंसिलेशन कीजिए, टू रूट टू हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नंबर सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। अभी आइए नंबर थ्री में, देखिए क्या है, इफ थ्री रूट टेन इंटू ट्वेंटी सेवन टू द पावर टू इज इक्वल टू नाइन स्क्वायर इंटू थ्री टू द पावर एन, देन द वैल्यू ऑफ एन व्हाट, एन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, एन का वैल्यू क्या होगा। देखिए ये है क्वेश्चन हम लोग का, ठीक है। अभी देखिए थ्री को टेन है तो रख दीजिए, ट्वेंटी सेवन को हम लोग क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, देखिए क्या होगा, ट्वेंटी सेवन का मतलब क्या होता है, थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री हो गया, थ्री कितना आ गया, थ्री आ गया, लिख दीजिए, और पहले से तो एक दो है ही उसके साथ इंटू कर दीजिए, ओके। यहाँ पे देखिए नाइन को थ्री से कन्वर्ट करेंगे कितना होगा, थ्री इंटू थ्री होगा, तो लिखिए, यानी थ्री कितना है, दो आ रहा है, तो ये दो और ऊपर का दो, और थ्री टू द पावर एन तो पहले से ही है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे थ्री है तो लिख दीजिए थ्री टू जा सिक्स, टू टू जा फोर। अभी यहाँ पे आइए, अच्छा देखिए इंटू है ना, बेस सेम है और इंटू है, यानी पावर को हम लोग प्लस करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, दिखा देता हूँ मैं आप सबको, यहाँ पे है देखिए, ठीक है, ए टू द पावर एम प्लस ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन, ठीक है। एनीथिंग पावर एम को अगर एनीथिंग प्लस एन से मल्टीपल होगा तो पावर को हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे प्लस, ओके, तो ये प्लस हो गया, इधर भी प्लस हो गया। अभी देखिए बेस बेस इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, होने के बाद सिक्सटीन इजिकल टू फोर प्लस एन, फोर प्लस एन इजिकल टू सिक्सटीन हो गया, एन इजिकल टू ये उधर चला जाएगा, माइनस हो गया, एन इजिकल टू ट्वेल्व हो गया, ठीक है, ये हो गया सॉल्व। अभी है हम लोग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोला था, रूट ऑफ रूट वैल्यू ऑफ टू फोर सिक्स फोर नाइन, देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए इसको डिवाइड कीजिए, वन वन जा वन, पहले दो दो करके इसको पेयर बनाइए, ओके, वन वन जा वन, दो से वन माइनस कर दीजिए, ये दोनों एक साथ नीचे आ जाएगा। अभी देखिए वन 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 प्लस कीजिए, दो आ गया, ठीक है, वन और वन प्लस कीजिए, दो आ गया। अभी ट्वेंटी फाइव कैसे आया, देखिए ट्वेंटी फाइव लिखने से फाइव के नीचे फाइव ही लिखना पड़ेगा, तो जो नंबर लिखेंगे सोच के लिखना, ये होना चाहिए या फिर इससे छोटा, तो ट्वेंटी फाइव में ये आ गया, ट्वेंटी सिक्स में ये हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो यही होगा ना, तो फाइव लिखिए और इधर पे फाइव लिखिए, ये हो गया। माइनस कीजिए ट्वेंटी वन, फोर्टीन है नीचे आ जाएगा। अभी फिर से देखिए ट्वेंटी फाइव को अभी इस फाइव से प्लस कीजिए, क्या होगा, थर्टी हो जाएगा ना, फिर से इक्वली कीजिए, थर्टी से सेवन इंटू सेवन कीजिए, ये निकल जाएगा, तो ये हो गया ज़ीरो। अभी देखिए इसका मतलब क्या निकला, वन फाइव सेवन इज द रूट ऑफ दिस नंबर, ओके। तो आप लोग इस तरह से क्वेश्चन आप लोग कीजिए, यहाँ पे मैंने होमवर्क्स दिया है, आप लोग घर में करके मुझे सबमिट करना और आप लोग करके देखना कैसा होता है, और मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए इसका पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा इन सब होमवर्क्स का, आप लोग डाउनलोड करके इसको करके मुझे कमेंट में बोलना कैसा हुआ, आप लोग कर पाए या फिर नहीं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर समझे होंगे आज का वीडियो, और अगर समझे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू विथ टच।